हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पिनाज किचन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से घर पर आप टेस्टी मंचूरियन बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ मैंने कुछ कट किए वेजिटेबल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके सारे इंग्रीडियंट्स जो है वो मिल जाएंगे और किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है वो डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं मैदा। यहाँ मैंने मैदा यहाँ अपने अकॉर्डिंग जितने मुझे बनाने थे पकौड़ी उतने अकॉर्डिंग मैंने मैदा यहाँ लिया हुआ था। यहाँ मैंने 1 कप के आसपास मैदा लिया हुआ था एंड यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ गरम मसाला ऐड किया है। यहाँ मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था फॉर कलरिंग, क्योंकि जो हमारा मंचूरियन में कलर होता है वो रेड होता है, तो यहाँ आपको मार्केट में अगर रेड कलर मिल जाता है तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक यूज़ किया हुआ था। इतने इंग्रीडियंट डालने के बाद आपको इसको छोड़ देना है इस तरीके से। एंड इसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा टचअप के लिए मैंने यहाँ पे मंचूरियन का पाउडर डाला था ताकि इसमें एक अच्छा टेस्ट जो मंचूरियन का वो आ सके। मंचूरियन का पाउडर यहाँ डाल लीजिए आपको, अगर टेस्ट के अनुसार जितना आपको टेस्ट लगे कि आप मंचूरियन पाउडर डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ ग्रेटेड किए हुए आलू डाले थे, आप चाहो तो आलू उबाल के भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ आलू घिस करके उसको भी डाल दिया था डायरेक्ट। एंड यहाँ मैंने पत्ता गोभी को मैंने यहाँ पे 1 कटोरी के आसपास पत्ता गोभी कट करके डाल दिया था। इन सबको आपको अच्छे तरीके से मिला लेना है, जिसका आपको ध्यान रखना है कि इसमें वाटर आपको नहीं ऐड करना, क्योंकि पत्ता गोभी खुद पानी छोड़ता है। अगर आपको लगे कि नहीं पत्ता गोभी में पानी ऐड करने लायक है तो आप उसमें डेफिनेटली ऐड कीजिए पत्ता गोभी में पानी। तो इस तरीके से आपको डो बनाना है एंड इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको वाटर डालना है। इसको ज़्यादा आपको हार्ड नहीं करना है, आपको इसको ज़्यादा लूज नहीं करना है, आपको इसको हार्ड ही रखना है। मैंने इस तरीके से आपको उसको मिक्स करते रहना अच्छे तरीके से ताकि सारे मिल जो है वो एक साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पर आपको हल्का हल्का वाटर डाल करके इसको गूंथना है कुछ इस तरीके से, ये वेब से कंसिस्टेंसी हो जाए तो इसको आपको छोड़ देना है। आपको इसका डो नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इसको उसको टाइटली इसको नीट कर देना है ताकि आपका ये जो जब भी आप पकौड़ी बनाओ तो इसमें आपको दिक्कत ना हो। इस तरीके से आप 1 पकौड़ी डाल करके तेल में चेक कर सकते हो कि आपकी तेल किस तरीके से गर्म है नहीं है। उसके बाद आप सारे पकौड़े जितने हैं उसको छान लीजिए। कोई भी पर्टिकुलरली शेप देने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको शेप देने की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली इसको गोल गोल आप कर सकते हो और इसको शेप दे सकते हो। मैंने यहाँ कोई शेप नहीं दिया था, डायरेक्ट हमने इसको यहाँ फ्राई कर दिया था। तो इस तरीके से आपको अपने सारे पकौड़े जो है उसको छान लेने हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ देखिए लाइन बाई लाइन इसको रिक्वेस्ट डाल दिया इसमें, जितने में आपके इसमें ऑयल में आपके ये आ जाए उतना आप इसको फ्राई कर लीजिए। इस तरीके से जब ये रेड ब्राउन हो जाए अच्छे तरीके से, कलर दिखने लगे, एक्स्ट्रा कलर दिखने लगे, तब आपको इसको निकाल लेना है। एकदम रेडी हो चुके हैं, क्रिस्पी कुरकुरे हो चुके हैं। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी निकाल के खा सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको आप चाय के साथ खा सकते हो, मेहमान आए तो उनको भी खिला सकते हो और इसकी आप सब्जी भी बना सकते हो। इसको मंचूरियन कहा जाता है, वेज मंचूरियन होता है ये। इस तरीके से आप इसको निकाल लीजिए। इसके बाद हम यहाँ अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए मैं आपको सारे इंग्रीडियंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो ग्रेवी के सारे इंग्रीडियंट एंड आपको पकौड़ी के भी सारे इंग्रीडियंट वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारे इंग्रीडियंट जो है आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जा रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 2 सूखी मिर्च यहाँ मैंने यूज़ की थी, लाल मिर्च यूज़ किया था। तो इस तरीके से आपको तेल में इसको डाल देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्याज का और लहसुन का और धनिया का यहाँ मैंने एक पेस्ट बनाया हुआ था, इसको आपको डाल देना है इसके अंदर। इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा नमक यहाँ ऐड किया हुआ था। इसके बाद आपको इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है। हमने अभी तक टमाटर की ग्रेवी नहीं डाली थी, टमाटर की प्योरी नहीं डाली थी, यहाँ हमने सिर्फ प्याज और धनिया अदरक की जो भी पेस्ट था उसको मैंने यहाँ ऐड किया हुआ था। इसको अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। जब इस तरीके से पकने लगे आपको गैस की फ्लेम जो है वो तेज ही रखनी है। इसके बाद आपको इसमें भी थोड़ा सा फूड कलर जो है वो ऐड कर देना है ताकि जैसे जो कलर है वो आ जाए। इस तरीके से आपका जो कलर है वो एकदम आने लगेगा धीरे धीरे। कर दिया था लास्ट में, इन सबको आपको एक साथ पका लेना अच्छे तरीके से।
इससे आपका क्या होगा, सारे मिर्च जो है आपको पक जाएंगे एक साथ। आपने जो यहाँ पकौड़ी छानी हुई थी उसको फिर आपको बाद में इसको ऐड कर देना है जब भी पकने लगे। अब इस स्टेज पे आने के बाद आपको इसमें अपना मंचूरियन पाउडर जो है वो ऐड कर लेना है ताकि उसका टेस्ट जो है वो आने लगे। आप मैंने मंचूरियन का जो पाउडर था उसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया, इसको आपको पकने के लिए छोड़ देना है। एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपको इसके जो मसाले हैं इसको कम आंच पर ही पकाना है, आपको आज की जो स्पीड है उसको आपको बढ़ानी नहीं है। इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए, इसको अच्छे तरीके से आप इसको स्टर कीजिए ताकि जले नहीं। ये आपका इस कलर पे जब आपका आ जाएगा पेस्ट मतलब आपका रेडी हो चुका है। इसमें आप नमक ऐड कर सकते हैं अगर आपका नमक कम ज़्यादा लग रहा है तो, नमक अपने स्वाद अनुसार आप इसमें ऐड कीजिए। इसके बाद अपनी जितनी भी पकौड़ी आप यहाँ ऐड कर सकते हो अपने पेस्ट के अंदर, यानी आपका गर्मा गर्म मंचूरियन है आपका घर में बन सकता है बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से। ये हमारा जो मंचूरियन है वो रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा हेल्दी मंचूरियन जो आप घर पे बना सकते हो और अपने बच्चों को खिला सकते हो और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आपको यहाँ खाने को मिलेगा। मार्केट स्टाइल भी है और टेस्टी भी है। थैंक यू सो मच।